कमलनाथ ने अपना कड़ा रुख दिखाते हुए अफसरों से दो टुक में कहा कि उपद्रवियों पर गैंगस्टर लगाकर उनकी संपत्ति को जब्त करें, अगर जरूरत पड़े तो उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलवाएं। हर हाल में दोषियों पर कठोर से कठोर कार्यवाही करें ताकि दोबारा किसी की भी बवाल करने की हिम्मत न पड़े। बवाल के बाद सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश के अफसरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर कैंप कार्यालय में एडीजी भानु भास्कर, पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा, डीएम नेहा शर्मा, एसडीएम सिटी अतुल कुमार समेत जिले के कई आला अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। पुलिस कमिश्नर ने सीएम को पूरे घटनाक्रम के साथ कार्यवाही से अवगत भी कराया। सीएम कार्यवाही से संतुष्ट नजर आए। सीएम ने प्रदेश के सभी जिलों के अफसरों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा, छोटी सी छोटी घटना को गंभीरता से लेने के लिए भी कहा। किसी भी तरह की कोई भी शरारत पर तत्काल कार्यवाही करें। बंदी और प्रदर्शन के बाद बवाल पर सीएम ने कहा कि जानबूझकर या साजिश की गई है, कुछ शरारत जरूर है, इसलिए कठोर कार्यवाही करिए। वीडियो व सोशल मीडिया से बवालियों की पहचान करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। उपद्रव में किसका हाथ है, पर्दे के पीछे कौन बवाल करा रहा है, उसका उद्देश्य पता करके कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने यह भी कहा है कि इस तरह से पोस्टर व स्टीकर लगाकर बंदी और फिर उपद्रव कराने वाले लोगों के मददगारों को भी खोज कर निकालें। पोस्टर छापने वाले, प्रिंटिंग प्रेस और लगाने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही करें। सोशल मीडिया पर पोस्टर व स्टीकर का प्रचार प्रसार करने वालों पर भी कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। सोशल मीडिया पर विशेष निगाह रखी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।